फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर पार्टनर। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। ब्यूटी सेक्शन में आज मैं जिस पैक के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, उस पर थोड़ी सी भी चमक नहीं है, थोड़ी सी भी ग्लो नहीं है, या फिर आपके स्किन पे ज़्यादा काले दाग धब्बे है, सन टैन, पिगमेंटेशन, ये सब का प्रॉब्लम है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस पैक का क्या प्रोसीजर है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो नेचुरल पार्टनर चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट आपको मिल सके। तो इस पैक के बनाने के लिए मैंने फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, वो है मुल्तानी मिट्टी। यहाँ पे आपको 1 टीस्पून के करीबन मुल्तानी मिट्टी लेनी होगी। मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन को टाइट एंड ब्राइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये हमारे फेस से एक्ने पिंपल्स को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ इसके बाद सेकेंड इंग्रेडिएंट्स जो है मेरा वो है सैंडलवुड पाउडर, यानी कि चंदन पाउडर। ये आपको मार्केट में इजीली सैंडलवुड पाउडर मिल जाएगी। तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब सैंडलवुड पाउडर लिए हैं। इसके बाद स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है। तो कुछ इस तरीके से इसका आपको क्वांटिटी इतना लेना जिससे आपको अच्छे से स्मूथ सी एक पेस्ट बन जाए। इसके बाद लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी बादाम तेल। इसमें मैं ज़्यादा नहीं, 2-3 ड्रॉप बादाम तेल ऐड करूँगी। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी इसमें ले सकते हैं। इस तरीके से आपको एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है। तो यहाँ पे मेरी पैक जो है वो अब हो गई रेडी। अब इसे हम करेंगे अपने फेस पे अप्लाई। बट अप्लाई करने से पहले आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी होती है कि इसमें मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज की हैं वो आपके स्किन पे सूट करता है या नहीं। अगर इसमें से सारे इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन पे सूट करता है तो ये पैक आप ज़रूर यूज करें। बट इसमें से ऐसा कुछ भी जो आपके स्किन पे सूट नहीं करता है तो आप इसे छोड़ दें। और इसी तरीके स्किन रिलेटेड हमारे चैनल पर आपको और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और जो आपका स्किन पे सूट करता है वही आप अपने फेस पे अप्लाई करें। तो चलिए पैक हो गया है रेडी, अब हम अपने फेस पे करेंगे अप्लाई। तो ये थी पैक बनाने का तरीका। अब मैं बताती हूँ लगाने के लिए आपको तरीके से आपको लगाना है। पैक लगाने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। आप जो भी सोप यूज करते हैं उससे फेस को अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद ही अपने फेस पे पैक अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद आप इसे इसी तरीके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट में ही हमारे फेस पे अच्छे से ड्राई हो जाता है। आपको ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, बट रिमूव करने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो 10 मिनट में ये फेस पे ये ठीक से अब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लें। ये आपको कंटिन्यू करना है और वीक में आप 2-3 डे से यूज जरूर करें। इससे आपके फेस के बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म होगी और आपका फेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड ग्लोइंग हो जाएगा। आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा टाइट एंड ब्राइट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड अट्रैक्टिव दिखने में आपका फेस लगेगा। तो ये थी बनाने और लगाने का तरीका जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं होगी, बट अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात, जितना आप अपने फेस को ऊपर से केयर करते हैं उतना ही आपको अपने बॉडी को अंदर से भी केयर करनी चाहिए। इसके लिए आपको जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छे डाइट लेने का कोशिश करें। दिन में आप कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं और नींद भी पूरी लें। इससे ये होगा कि आप पैक लगाने के बाद आपके फेस पे जो निखार आएगी, जो चमक आएगी वो परमानेंट बरकरार रहेगी और आगे आपको कोई भी फेस प्रॉब्लम का परेशानी नहीं होगी। पैक लगाते हैं तो पैक के साथ साथ आपको अपने डाइट पे पूरी ध्यान देने का कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्यार दीजिए। बाय बाय। हंट बाबा करो ना। बाय बाय।